बहुत झूठ बोल लिया आपने। इस पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा बेवकूफ शायद ही कोई और होगा। आंखें बंद करके विश्वास किया हमने आप पर, आपके चलते हमने अपने मिर्जा पर शक किया, अपने मिर्जा पर। नमक हराम, बेईमान, आपके घिनौने कामों के लिए हमने हमने अपने मिर्जा को गुनहगार ठहराया। ये सच है, हम आपके गुनहगार हैं मिर्जा। इसके लिए तो खुदा भी हमें कभी माफ नहीं करेगा। नहीं मोहतरमा, आपको हमारी कसम, इस नामुराद की हरकतों की वजह से अपने आप को गुनहगार साबित मत कीजिए। गुनहगार तो हम हैं आपके, दुनिया भर के सितम ढाए आप पर, इसकी सजा में खुदा हमारी जान भी ले ले तो। नहीं याकूत, आपने कैसे सोच लिया सुल्ताना कि आप हमसे जुदा हो इसकी हो जाएंगी? नहीं सुल्ताना, नहीं, आप हमारा जुनून है, हमारे जीने का सबब हैं आप। आप हमारी ना हो सके ये हमें गवारा है, पर हमारे जीते जी आप किसी और की हो जाए ये हम नहीं होने दे सकते। इस सब तमाशे की जड़ तुम हो शातुरकर। हुकूमत के लालच में तुमने न जाने कितने मासूम, कितने बेगुनाहों की जान ले ली। हमारे पूरे खानदान पर जानलेवा हमला करवाया। मोइजुद्दीन मैदान छोड़कर भाग रहा है। रुक जाइए मिर्जा, बहुत खून खराबा हो गया। मुद्दतों बाद हमें हर वो चीज मिली है जिसकी हमें जरूरत थी। शाही खजाने से दिल्ली सल्तनत की आवाम को मुफ्त अनाज बांटा जाए। किसी भी किसान को हुकूमत का कोई भी मुलाजिम लगान के लिए तंग नहीं करेगा। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। सुल्तान अल्तमश ने जो ख्वाब रजिया के लिए देखे थे वो आखिरकार पूरे हुए। ऐसा कहा जाता है कि रजिया न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया की पहली औरत सुल्तान थी, पर तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस मोइजुद्दीन पर रहम खाकर रजिया ने उसकी जान बख्शी थी, उसी मोइजुद्दीन ने बड़ी बेरहमी से मिर्जा और रजिया का कत्ल करवा दिया। जिंदगी के सफों पर वक्त कितनी ही दास्तानें लिखता है, कितने ही किरदार उभरते हैं,
कुछ समय की धूल की परत तले खो जाते हैं और कुछ फलक पर सितारे बनकर जगमगाते रहते हैं। रजिया और मिर्जा अल्तुनिया ऐसे ही दो चमकते सितारे थे जिनकी मोहब्बत की दास्तां अमर हो गई।